का फ्री फायर लाइट AKA छोटा फ्री फायर, इसके बारे में ना 15 दिन से पूरे यूट्यूब पे हंगामा मच चुका है। बड़े से बड़े क्रिएटर इस छोटे फ्री फायर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में यह सुनने में आ रहा है कि फ्री फायर ऑफिशियली लॉन्च कर रहा है अपना छोटा पैकेट, जिसका साइज होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 MB। तो क्या यह समाचार सही है या है गलत? क्या फ्री फायर सही में आगमन कर रहा है फ्री फायर लाइट का? इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ने बात कर लिया, तो भाई हम क्यों पीछे रहे, अब हम भी थोड़ा अपना ओपिनियन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ्री फायर लाइट के लोगो की। तो देखो, इसका लोगो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक पुराना लोगो है फ्री फायर का, बहुत टाइम पहले का। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये हो सकता है एडिटेड हो, लेकिन अगर मेरे हिसाब से तुम मानो तो देखो, फ्री फायर के वर्कर्स, फ्री फायर के पर बहुत ज्यादा कामचोर है। जब ये एक बंडल को तीन तरीके से तीन कलर चेंज करके दे सकते हैं ना, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। साथ ही साथ बात हो रही थी फ्री फायर लाइट के टेक्स्ट का, कि ये जो टेक्स्ट है ये पुराना है, और अभी के टाइम पे तुम लोगों को बता है फ्री फायर ने अपने गेम के सारे टेक्स्ट को चेंज कर दिया है। जो लास्ट 3 साल से चल रहा था उसको चेंज कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर में नहीं, फ्री फायर मैक्स में भी। मतलब पूरा टेक्स्ट, पूरा लिखने का तरीका, पूरा जो लिखावट होता है वो चेंज हो चुका है, और फ्री फायर लाइट में जो टेक्स्ट यूज करके दिखाया जा रहा है ना, वो पुराना है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मेरे को वैलिड लगी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ये पॉइंट वैलिड लगी है। और देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो फ्री फायर लाइट वाली न्यूज है ये सही हो सकती है या गलत, वो मैं अभी से तुमको बताता हूँ। तो पूरे तरीके से अपने कान और आंख को खोल के सुनना और समझना। बताओ तुम लोगों को याद होगा, फ्री फायर मैक्स जब लॉन्च हुआ था 28 सितंबर 2021 में हुआ था। उस टाइम जब लॉन्च की बातें चल रही थी ना, तो मैक्स के लॉन्च से पहले बात हो रही थी फ्री फायर लाइट के आने का, और कहीं ना कहीं ये पता लगा था कि जैसे ही मैक्स आएगा उसके बाद 6 महीने के अंदर हम लोगों को लाइट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर तुम लोगों को सही से याद होगा तो ये चीज लगभग 2 साल पहले से बात हो रही है कि फ्री फायर अपने 3 गेम बनाने वाला है, एक तो खुद फ्री फायर, एक फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर लाइट, 3 बनने वाले थे, बट अभी तक हमारे बीच 2 ही है, फ्री फायर मैक्स एंड फ्री फायर लाइट। ऐसा क्यों? देखो, जब मैक्स लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम गरीना बहुत बड़ा लॉस झेला था, अगर तुम लोगों को याद हो, क्योंकि मैक्स के ऊपर ना ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं आई थी। क्यों ऐसा? क्यों? देखो, फ्री फायर खेलने वाले मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो लो एंड डिवाइस वाले होते हैं, जिनका 3GB, 4GB, 2GB रैम का डिवाइस हो, वही लोग खेलते हैं फ्री फायर को। बट मैक्स जो था, वो जब स्टार्टिंग में रिलीज हुआ था, वो था 2.5GB का। तो इस वजह से बहुत बड़ा डाउनफॉल और बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ था फ्री फायर को, पूरा खतरनाक वाला, जिसके वजह से उस समय लाइट की ना दूर दूर तक अपडेट ही गायब हो गई। मतलब इतना बड़ा रिस्क लगातार नहीं ले सकते थे फ्री फायर वाले। तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद ये न्यूज़ वापस से सर्कुलेट हो रही है कि लाइट वापस आ रहा है। अब ये चीज़ ना मेरे को ना 50-50 लग रहा है। ऐसा क्यों? अब बात करते हैं ऑफिशियल्स की, ऑफिशियल्स का क्या कहना है फ्री फायर लाइट के लॉन्च पे। तो देखो, मेरी बात हुई इनके मॉड से, जो भी इनके मॉड, तो उनका कहना था कि ऐसा अभी तक ऑफिशियल न्यूज नहीं है। ये चीज ऑफिशियल न्यूज था सिंगापुर टीम के साइड से। अब सिंगापुर टीम जो है ना, जितने भी पूरे सर्वर है उसका सबसे मेन जो हेडक्वार्टर होता है फ्री फायर का, वो है फ्री फायर सिंगापुर में। तो वहां से कोई भी न्यूज नहीं आई है, ऐसा इंडियन फ्री फायर मॉड्स का कहना था। लेकिन एक और चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, जब फ्री फायर मैक्स लॉन्च होने वाला था ना, उस समय भी मैंने सेम क्वेश्चन करा था, क्या फ्री फायर मैक्स आ रहा है? तो इन लोगों ने बोला हमारे पास कोई भी न्यूज नहीं है। बैन के दिन, जिस दिन बैन हुआ था गेम, 48 आवर्स बाद इनको पता लगा था कि गेम बैन हुआ है। उस समय जब मैं पूछा इनसे, तो इनको कुछ नहीं पता। और अभी भी अगर तुम इनसे जाके पूछोगे कि भाई फ्री फायर बैन जो है हटने वाला है, कभी गेम वापस आने वाला है या नहीं, उस पर ये बोलेंगे वी डोंट नो, मतलब इनको कुछ पता होता नहीं है। तो इनका ऑफिशियल न्यूज एक तरीके से अनऑफिशियल से भी ज्यादा अनऑफिशियल है, ऐसा तुम समझो। अब देखो, बात करते हैं हम अपने ओपिनियन के बारे में। तो जब फ्री फायर मैक्स लॉन्च हुआ था 2.5GB का वो था, बाद में अभी उसका साइज कम करके ऑलमोस्ट 1GB कर दिया गया है, क्योंकि प्ले स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर मैक्स है, फ्री फायर को बैन लगा हुआ है। तुम सबको पता है यार, कितनी बार बताना पड़ेगा, है ना, पता ही है। बट दिसंबर तक वेट करो, कुछ अपडेट आने वाला है, ठीक है। दिसंबर में तुमको बहुत कुछ पता चल जाएगा इस गेम से रिलेटेड, क्या होने वाला क्या नहीं। बस 2 महीने का वेट कर लो, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा तुम समझ लो, लेकिन जो भी होगा ना बहुत बड़ा होगा भाई, बिग अनाउंसमेंट होने वाला।
वाला फ्री फायर के साइड से। अब बात करते हैं फ्री फायर लाइट की। देखो जब फ्री फायर लाइट लॉन्च होगा ना तो वो 300 से 400 MB का होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम मान लो 500 MB। लेकिन तुम ये सोचो 500 MB में ये क्या ही कर लेंगे, ना ग्राफिक्स होगा ना उसके अंदर बड़े बड़े मैप होंगे और ना ही प्लेयर्स होंगे, तो उसको लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो मिनिमली से जैसा उसका ग्राफिक्स होगा, फटे फटे पिक्सल होंगे ऐसा होगा। और इस टाइप का गेम अब अगर अभी ये लॉन्च करते हैं ना कोई नहीं खेलने वाला है भाई। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो देखो एक ही चीज मैं बोलूंगा अपने साइड से, अपने ओपिनियन से, कि देखो फ्री फायर मैक्स तुमने लॉन्च करा था, बहुत अभी तक नुकसान में हो तुम फ्री फायर मैक्स को लेके, तो बस भाई मैं यही बोलूंगा जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि फिर तुम नुकसान उठाओगे और बाद में झेलना पड़ेगा ऑडियंस को। क्यों? क्योंकि उसके बाद प्लेयर्स पे रहम नहीं बरता जाएगा, पुराने पुराने 10-15 और बंडल पटक दिए जाएंगे गेम में और हर चीज का रेट बढ़ा दिया जाएगा, एलीट पास का, ये वो दुनिया संसार का। क्योंकि देखो लॉस जो होता है ना इनका, वो किनसे ही रिकवर करेंगे, हमारे प्यारी ऑडियंस से, हमारे प्यारे प्लेयर्स से, क्योंकि प्लेयर्स है पिकाचू। और पिकाचू का काम क्या है, वो अब्बा के घर से अपनी मम्मी के पर्स से पैसा चोरी करेंगे और पैसा चोरी करके गेम में लगाएंगे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान जो है ना वो तुम्हारा ही है। तो देखो प्यारे बच्चों समझदार बनो और सुरक्षित रहो। तो बस यही बोलूंगा फ्री फायर लाइट, फ्री फायर मैक्स ये आने वाला है, वो आने वाला है, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो और सबर कर लो। देखो थोड़ा सा सबर कर लो, 2-3 महीने का सबर है। अब इतने टाइम से तुम बैन के बाद से वेट करते आ रहे हो तो थोड़ा सा और सही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया भाई लाइक कर देना, देखो लाइक नहीं करते हो दिल से बुरा लगता है, लाइक कर देना। चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बताना हूँ भाई गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, शादी नहीं होगी तुम्हारी, तो समझ रहे हो ना, बस सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे एक और नई फेस्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी।